करने के एक्सपर्ट्स, थूके चाटने के मास्टर्स, वो आराम से अपनी बहुत सारी ट्वीट को डिलीट कर दें। जी आते हैं सबसे पहले अक्यूज जो कि टॉप लीडरशिप के साथ थे, ये तमाम टेलीफोन के साथ 165 आइडेंटिफाइड है, 37 अरेस्टेड है। इस पे कहते हैं कि इनको गिरफ्तार क्यों किया गया। बी पार्टीज जिनके साथ इन 165 का रब्ता था, जो जिन्ना हाउस के अंदर मौजूद थे, 101 आइडेंटिफाइड है, 18 गिरफ्तार है। नादरा की तस्वीरों के मदद से, आपके डाटा की मदद से, जो इन्होंने खुद बड़े फखर से पोस्ट किया, शनाख्त किए जा चुके हैं। जिन्ना हाउस के अंदर हमने जो आपको बताया 9th को और जमान पाक 8-3 को, यानी ये पहले हंगामा किया जिसमें ज्यादा नहीं, इधर तो 184 पुलिस वाले जख्मी किए, उस दिन उन्होंने सिर्फ 34 पुलिस वाले जख्मी किए थे। उस दिन के 120 बंदे आइडेंटिफाइड हैं, 19 गिरफ्तार हो चुके हैं। आइए चलते हैं वो लोग जो कि बी पार्टीज बनते हैं, जिनके साथ राबता आगे करते हैं। ये लोग 152 आइडेंटिफाइड है, 40 गिरफ्तार है, और ये काबिल इत्खाल शहादत एडमिसिबल एविडेंस है। ऑल दिस विल बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और हम उसमें डिस्चार्जी की तरफ भी आते हैं जिसके बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब हम आते हैं अक्यूज जो आइडेंटिफाई किए इनके व्हाट्सएप ग्रुप से। आई टोल्ड यू वेरी कैटेगोरिकली एंड क्लियरली, मैंने आपको बड़े वाजे बताया था कि इनके अपने टेलीफोन्स के ऊपर, जिस तरह आप साफी हजरात और पाकिस्तान के दूसरे लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद हैं जिसके ऊपर हम आपस में बात कर लेते हैं और एक मैसेज सब लोगों को पहुंच जाता है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। व्हाट्सएप तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो किसी एजेंसी की साजिश नहीं हो सकती। उसके ऊपर जो मैसेजेस हैं, 170 बंदे हमने उसमें आइडेंटिफाई कर लिए हैं, 11 गिरफ्तार।